एवरीवन एंड वेलकम टू फूड्स पाई। मैं हूं पलक श्रीवास्तव एंड दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं दिवाली के फराल के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी। हम बनाएंगे रवा लड्डू, वो भी सबसे ज्यादा आसान तरीके से और सबसे कम इंग्रेडिएंट्स में एंड फेल प्रूफ रेसिपी है दोस्तों। फराल के लिए बहुत सारी रेसिपीज बनती है जैसे कि चकली, सेव और चिवड़ा, इसके साथ ही बहुत सारी मिठाई और नमकीन भी बनती है। तो हम आज इसकी एक रवा लड्डू की रेसिपी बनाएंगे। इसके अलावा जितनी भी रेसिपीज है मैं बहुत जल्द इस चैनल पे लेकर आऊंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रवा लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, फाइन सूजी, इलायची के दाने, कुछ मिले जुले ड्राई फ्रूट्स, इसके अलावा घी और मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर को दूध के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पैन और पैन में घी गरम करेंगे। अभी आपको करीब डेढ़ बड़े चम्मच घी यहाँ पर डालना है और इसको अच्छे से गरम होने देना है। इसके अंदर हम सबसे पहले अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बादाम डाले हैं, करीब 10 से 12 टुकड़े बादाम जिनको छोटा छोटा काट लिया, और उसी के साथ हमारे पास काजू हैं, ये भी करीब 6 से 8 काजू थे जिनको काट करके अभी हम इनको रोस्ट कर लेते हैं। इनको रोस्ट करना है जब तक ये थोड़े से गोल्डन, रेडिश गोल्डन हो जाए, तब हमें इनको निकाल लेना है। ध्यान रखना है कि आप इसका पूरे काम को एकदम मीडियम या स्लो फ्लेम पे करिए, ये जलने नहीं चाहिए वरना ये ड्राई फ्रूट्स का एक कड़वा सा टेस्ट आएगा जो हमें नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, ये हमारे बादाम और काजू रोस्ट हो गए हैं, तो अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। और अब इसमें रोस्ट कर लेते हैं किशमिश। ये करीब 6 से 8 किशमिश थी जिनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। इनको अलग से रोस्ट करने का मतलब इस वजह से है क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी रोस्ट जाती है और काजू बादाम को तो टाइम लगता है, तो उतने देर में किशमिश हमारी जल ना जाए इसलिए मैं इनको अलग से रोस्ट कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, किशमिश भी पफ अप होने लगी है, ये थोड़ी फूल गई है। तो जब आपकी किशमिश थोड़ी सी फूल जाए, हल्का सा रोस्ट हो जाए, फिर हम इनको भी एक प्लेट पे निकाल लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे रवा या सूजी। ये यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ बिल्कुल फाइन सूजी। एक बॉम्बे रवा आता है जो कि थोड़ा सा मोटा होता है, हमें वो नहीं चाहिए इस रेसिपी के लिए। फाइन सूजी आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी और उसी से ये लड्डू बनाएंगे तभी वो परफेक्ट टेस्ट आएगा। अगर बहुत मोटा मोटा सूजी होगा तो वो एक तो वो फ्लेवर्स एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो मुंह में भी वो जब काटेंगे ना तो वो हल्का सा उसमें एक थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आएगी जो हमें नहीं चाहिए। अब हमें इस सूजी को अच्छे से रोस्ट करना है एकदम स्लो फ्लेम पे, करीब 10 से 12 मिनट में ये रोस्ट हो जाएगी। दोस्तों इस काम में बिल्कुल हड़बड़ी नहीं दिखानी है, इसी से मेन टेस्ट आएगा हमारे रवा का। आप देख सकते हैं इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए आपको 10 से 12 मिनट इसे रोस्ट करना है, और आप जब 12 मिनट बाद इसे देखेंगे तो हमारी सूजी फूल चुकी होगी। आप देखिए दाने दाने अलग हो गए हैं अभी ये सूजी के। ये ध्यान रखना है कि इसको हमें बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, ये ऐसा ही गोल्डन ब्राउन हमें कलर चाहिए इसका। अब आप ले लीजिए एक ग्राइंडर पॉट और इसमें डाल दीजिए 3/4 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 1 कप सूजी के लिए 3/4 कप चीनी सही होती है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल दूंगी 2 इलायची के सीड्स और इसके साथ ही हम इन दोनों को पीस लेंगे। दोस्तों चीनी और इलायची का तो पाउडर बन चुका है, अब इसमें जो हमारा रवा था जो कि अभी तक अच्छा खासा ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लेना है हमें, और उसके बाद हमें इसको इसके ग्राइंडर पॉट में डालकर इन सारी चीजों को एक कोर्स फाइन कोर्स पाउडर बना लेना है। मतलब एकदम ही स्मूथ नहीं करना और थोड़ा सा इसको दरदरा पीस के निकाल लेना है। एक बार आप इसको चलाइए, फिर इसको नीचे से एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए क्योंकि चीनी नीचे सेटल हो जाती है और सूजी ऊपर रह जाता है। तो एक बार इसको अच्छे से नीचे से मिक्स करके फिर से हम इसको एक बार ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से कम्बाइन हो चुकी है, हमारा रवा और चीनी सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से कम्बाइन हो गई है। तो बस अब हम लोग बहुत जल्दी से इनके लड्डू बनाएंगे। अब यहाँ पर आप एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लेना और उसमें हमारा जो पूरा चीनी और रवा का मिक्सचर है वो पूरा डाल लेना। इसी के साथ इसको और अच्छा है बाइंडिंग देने के लिए हम यहाँ पर 1 बड़े चम्मच घी डाल रहे हैं, साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। एंड जैसा कि मैंने आपको रेसिपी के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो इन सारी चीजों को कम्बाइन करने के लिए अभी मैं 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डालूंगी, आप उसके जगह पर दूध डाल लेना, उन सारी चीजों से ये एक साथ कंबाइन हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इस रेसिपी में हम कोई चाशनी नहीं बना रहे क्योंकि काफी बार चाशनी वाली रेसिपी जो होती है उसके वजह से हमारे लड्डू काफी टाइट हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, खाने में मजे नहीं आते, इसलिए ये सबसे क्विक और परफेक्ट टेस्ट वाली रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, काफी लोगों को इसमें कोकोनट मतलब ड्राई कोकोनट डालना भी पसंद है, नारियल का बुरादा आप आराम से इसमें डाल सकते हो,
वो आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप डालना चाहो तो इसी स्टेप पे 2 से 3 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा रोस्ट करके इसमें डाल देना और चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी और इंक्रीज कर लेना। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाला है। आप बहुत ज़्यादा पानी इसमें मत डालना, 2 से 3 बड़े चम्मच में ये पानी में बिल्कुल पूरा डो एक साथ आ जाता है। इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं हमारे सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट करके रखे थे, और बस अब ये सारी चीजें एक साथ कंबाइन होने के लिए तैयार है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मैं इसको 1 टेबलस्पून मिक्सर लेके उसके छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। ये भी आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहो तो आप बड़े बड़े साइज के लड्डू भी बना सकते हो। तो इतने 1 कप सूजी से आप करीब 12 से 15 बड़े साइज के लड्डू बना सकते हो। बस थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेके उसको दबाते दबाते हमें इसको एकदम फ्लैट परफेक्ट एकदम सर्कुलर लड्डू बना लेना है। और देखिए छोटे साइज के हमने करीब 24 to 25 लड्डूज आप 1 कप सूजी में बना सकते हैं। कितने बढ़िया लग रहे हैं ये। और जरा मैं एक लड्डू को आपको थोड़ा पास से इसको तोड़ के दिखाती हूँ, इसके अंदर का टेक्सचर भी कितना बढ़िया है। एकदम सॉफ्ट लड्डू बने हैं, मुंह में मेल्ट इन माउथ वाले फील आएगी इसकी। बहुत ही बढ़िया टेस्टी लड्डू तैयार है। ये देखिए दोस्तों रवा लड्डू बनके बिल्कुल तैयार है और बहुत ही बढ़िया बने हैं ये। ऊपर से एकदम अच्छे से शेप होल्ड किया है, अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो देरी किस बात की है, जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताइए नीचे इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा दिवाली के फराल की बहुत सारी रेसिपीज मैं इस चैनल पर लेकर आने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स foodpreneur.palak and foodspire.official को फॉलो करना मत भूलिएगा। अभी के लिए चलते लेकर आऊंगी बहुत सारी नई रेसिपीज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलोहा।